तहसीलदार की कार्यवाही, अवैध रासायनिक दवाई की दुकान हुई सील। खबर बगीचा की है, जहां तहसीलदार अविनाश चौहान ने छापेमार कार्यवाही करते हुए अवैध रासायनिक दवाई बेच रहे दुकान को सील कर दिया है। ब्लॉक के महादेव डांड में संचालित पूजा कृषि केंद्र में बिना अधिकृत के रासायनिक कीटनाशक दवाइयां बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर शुक्रवार को तहसीलदार अविनाश चौहान, पटवारी शिवशंकर धीवर व उनकी टीम ने दुकान में छापेमार कार्यवाही की और बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाई बेचते और बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाई बेचते पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया है। तहसीलदार की इस कार्यवाही से इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। हाँ भैया साहब, ये कुटरों में एक पूजा कृषि केंद्र है, तो ये बीच का लाइसेंस ये देखिए, इसका भी पेपर सब रेडी कर दिया गया। हेलो, हाँ भैया साहब, देखिए इसका भी पेपर सब रेडी कर दिया गया। कृषि केंद्र है, तो ये बीच का लाइसेंस दर्ज करते हैं।